सभी साथियों को नमस्कार का नमस्कार। जैसा कि बिहार एस्टेट के कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हमारा आज आपका होगा, तो जितने भी लोग हैं सभी के पास मैसेज जा चुका होगा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऑनलाइन आ भी जाएंगे आज, क्योंकि वीडियो आज एमसीक्यूज की है। यहाँ पर बिल्कुल वो एमसीक्यूज आज कराऊंगा जो वाकई में आपको बहुत मदद करेंगे एग्जामिनेशन में। सो बी रेडी, जो लोग भी हैं एकदम अलर्ट हो जाइए, रेडी हो जाइए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। बहुत सारे क्वेश्चंस जो आप करेंगे तो उम्मीद है कि उन क्वेश्चन से बेनिफिट आपको 100% होगा। ठीक है शिवानी, वेरी गुड इवनिंग। अभिनंदन जी, वेरी गुड इवनिंग। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग जो हमारे क्लास में ज्वाइन किए हुए हैं, और बने रहिए। डेली आपका जितना भी कोशिश हो पाती है करता हूँ, और मैक्सिमम रिकॉर्डिंग भी मैंने कर दी है, वो रिकॉर्डिंग भी बिहार वालों तक पहुँच जाएंगी, जल्दी ही पहुँचेंगी, कल पहुँच जाएंगी। उम्मीद है कि जो रिकॉर्डिंग्स हैं की गई हैं वो आपके पास पहुँचेंगी। आपको समय दिया है और उस समय के अनुसार हम अपना जितना कर्तव्य हो सकता है पूरा कर रहा हूँ। प्रवेश जी प्रणाम। प्रीति वर्मा वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए बस अभी स्टार्ट करता हूँ, तो चार पांच लोग और आ जाएं। ठीक है, थोड़ा जब लोग कहता होते हैं तो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट अच्छा क्रिएट होता है। और बताओ शिवानी, क्या हाल चाल है? ठीक है, चलो 2 मिनट पहले बात कर लेता हूँ जब तक कुछ लोग आते हैं। देख कौन 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 लोग कौन कौन नहीं एक्टिवल, यू केवल यू ही टाइम काटने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो प्रवेश जी, प्रवेश जी माइक ऑन करिए, 2 मिनट आपसे बात करता हूँ। प्रवेश जी माइक ऑन करिए, शिवानी माइक ऑन करिए, एक एक करके माइक ऑन करिए। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभिनंदन पुष्प वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ शिवानी त्यागी जी, क्या हाल चाल है आपके? हाँ हेलो हेलो, शिवानी गुड जी ठीक इवनिंग हैं सर। आप? जी सर, गुड इवनिंग। ठीक ठीक हैं आप? तैयारी कर रही हैं, डेली समय देती हैं? जी सर, अभी थोड़ा बीच में फ्लोर टूट गया था, थोड़ा घर में ऐसे चल रहा है, लेकिन अब मैं फिर से, अच्छा, हाँ अभी फिर से कोशिश कर रही हूँ कि फिर से एक बार ट्रैक पे आ जाऊँ, क्योंकि नहीं, बिल्कुल पिछले बिल्कुल। 1-2 महीने जैसे ऑर्गेनिक मैंने आपको बताया था ना वीक है, तो मैंने बहुत काम किया उस पर, तो और आपकी हेल्प भी ले लेके तो बहुत सही हो गया था, इम्प्रूवमेंट लिख लिख के की थी चलिए क्योंकि मैंने डेली। हाँ, बस लिखना, जी केमिस्ट्री सर, तो रिएक्शन से लिखने बहुत से ना तेज चलेगा। बिल्कुल बहुत फर्क बिल्कुल पड़ता है, बहुत ज्यादा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। लिखने से जो है वो माइंड पर प्रिंट होता चला जाता है, ऐसे मान के जी चलिए। सर, वो याद सा हो जाता है कि ये हमने किया था, और ऑर्गेनिक में मुझे लगता है वो बेस्ट तरीका है, मैं लिख के नहीं करती थी बिल्कुल, पहले। चलो कम से कम आपने बहुत दिनों बाद देर आए दुरुस्त आए, है जी ना? सर, हाँ चलो ठीक तो है, मेहनत करते रहिए ऐसे ही, जी है? सर, बाकी सब्जेक्ट पे भी अब मैं करूंगी क्योंकि फ्लो टूटा था, लेकिन फिर से ट्रैक पे आना है क्योंकि कंसिस्टेंसी जरूरी है बहुत बिल्कुल ये। बिल्कुल, डेली प्रैक्टिस जो है ना, क्या होता जी है कि अगर सर, आपको लगातार आगे बढ़ना है तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आप डेली टच में रहें, डेली जी सर, जी सर, टच में रहें। अगर आप डेली टच में नहीं, भले थोड़ा, जैसे जी दवाई होती ना, अगर आपको डोज मिलती रहे, रोज मिले, अब पता लगा बुखार जब बढ़ गया तो खा रहे हो तो सबसे दिक्कत हो जाती जी सर, ये बहुत कमी थी मेरे अंदर, जब से है ना? आपसे टच में आई हूँ तब से मैंने ये बहुत सीखा है, और स्मार्ट चलिए वर्क, क्योंकि मैं हार्ड चलिए वर्क करती थी चलो ये। चलो ठीक थैंक यू ठीक सर, थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके। हाँ प्रवेश जी, हेलो। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम भाई प्रवेश जी, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया है, तैयारी कैसी चल रही है? बहुत बढ़िया सर, चल रही है, आपकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है सर। नहीं बस हमारी कृपा रहेगी, ईश्वर की कृपा रहेगी, सबकी कृपा रहेगी, बस आप मेहनत करते रहे हैं, जी सर, मेहनत मेहनत में आपकी सारे कमी, कर रहे हैं। मेहनत में कमी नहीं आने आनी चाहिए। जी जी सर, जी सर। चलिए चलिए ठीक ठीक है ठीक है। और कोई समस्या तो नहीं?
नहीं सर, कोई समस्या नहीं, आप बहुत अच्छे से हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं सर, इसलिए आपको बहुत नहीं, बहुत मेहनत तो धन्यवाद कर ही रहे। खैर, अब आप सफल हो तो मेरी मेहनत सफल होगी, जब आप जी सफल सर। होंगे तो मेरी मेहनत सफल होगी। है, प्रयास जम के चल रहा था, इस बार सफल हो जाएंगे हम लोग। चलिए चलिए, बड़ा अच्छा लगा ये बात सुनकर के आपने भरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि हम सफल होंगे और सफल होकर के दिखाएंगे। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी जी ओके थैंक यू। ओके भाई, चलिए अब हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं और बात की, अच्छा लगता है। आप लोग भी बात करिए, अभिनंदन जी, और जिन लोगों का मन होता है बात किया करिए। सर से बात करेंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का जनरेशन जरूर होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखता हूँ और इस पॉजिटिव बनाने आप ही लोग मेरा प्यार हैं। आप ही लोग जो है वो हमें प्यार दे रहे हैं, और उसी प्यार की बदौलत मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और इसी क्वेश्चन की सीरीज को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। क्वेश्चन 30 हमारे अब तक हो चुके थे, क्वेश्चन 30 हमारे हो चुके थे, अब हम लोग इसी क्वेश्चन सीरीज को आगे 31 से शुरुआत कर देंगे। 31 से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन अच्छे दूंगा आपको, आप भरोसे के साथ जवाब दीजिएगा। बिहार वाले जितने भी हैं कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देंगे, ठीक है? चलिए, एक सबसे पहला क्वेश्चन, आज हर टॉपिक टच करूंगा, आज हर टॉपिक टच करूंगा, इसलिए बड़ा भरोसे के साथ जुड़िएगा हमसे, बड़ा भरोसे के साथ जुड़िएगा। हाँ, हमारी वॉइस क्लियर आ रही है। क्वेश्चन नंबर 31 पर चले आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स नियोप्रीन पॉलीमर, नियोप्रीन पॉलीमर, नियोप्रीन पॉलीमर। जरा मैं अपनी स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ जिस पे मैं चैटिंग देखता हूँ, बस 1 मिनट का समय दीजिए आप। अब इसमें ऑप्शन कौन कौन से दे रखे हैं वो ऑप्शन भी देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर 1 हमें दिया है, ऑप्शन नंबर 1 ए दिया है, ध्यान दीजिएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड सी। थोड़ा सा समय लूंगा लेकिन हाँ, क्वेश्चन की क्वालिटी दूंगा आपको, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो समय मांगती हैं। अब आपके लिए पर्टिकुलर सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिखना ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैं पर्टिकुलर उसी टाइम में लिख भी लेता हूँ। बी पार्ट है इसमें, आप ये बिल्कुल ना समझिएगा कि सर मेरा समय खराब हो रहा है। मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा हूँ, समय बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर होल एन ले लीजिए और यहाँ C6H5 ले लीजिए, इसी तरीके से सीजी ले लीजिए, यहाँ CH2 ले लीजिए, यहाँ CH, यहाँ पर आप CN ले लीजिए और यहाँ पर आप ई हो करके होल एन ले लीजिए ऐसे करके। और डी पार्ट जो है ये ले लीजिए, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ CL एन देवजनी। बाकी लोग जितने भी हैं, शिवानी, सभी लोग जवाब दीजिए जी। इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा इसमें कि नियोप्रीन कौन होता है? नियोप्रीन आपको पता होना चाहिए, क्लोरोप्रीन का भैया है ना, क्लोरोप्रीन का भैया है, बिल्कुल 100% राइट। और बिहार के जो लोग हैं वो लोग जवाब जरूर दें, क्योंकि आज हर तरीके के क्वेश्चन टच करने की कोशिश में हूं मैं, हर तरीके के क्वेश्चन टच करने की कोशिश में हूं मैं, है ना? बहुत अच्छा जवाब दिया आपने, क्लोरोप्रीन जो होता है वही नियोप्रीन का मेन यूनिट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ जाइए, 32, क्वेश्चन नंबर 31 हो गया, क्वेश्चन नंबर 32। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज। हर तरीके के क्वेश्चन टच करूंगा, आप देखेंगे आज हमें, स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज इज लीनियर, इज अ लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर ऑफ, किसका लीनियर पॉलीमर माना जाता है मनोज जी? सबसे पहला ऑप्शन ए है, सुक्रोज मॉलिक्यूल,
क्रोज मॉलिक्यूल क्वेश्चन भरोसे के साथ करिए और देखिएगा कि आपको क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, और सी है अल्फा डी ग्लूकोज। भारती और बाकी जितने भी नाम तो नहीं जान रहा हूँ, केवल एक ही लोग का नाम जब मेरे मन में फीड हो गया तो वही बोल देता हूँ। फ्रक्टोज मॉलिक्यूल, ऑप्शन बताइएगा कौन सा होगा। सभी लोग बी ऑप्शन बता रहे हैं, वेरी गुड, नाइस। यानी बीटा डी ग्लूकोज में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हो जाती है, और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज नहीं बीटा डी ग्लूकोज होता है। ध्यान दीजिएगा, बीटा डी ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। बीटा डी ग्लूकोज होता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और पहली पोजीशन पर और फोर्थ पोजीशन पर कॉम्बिनेशन होता है, तो ध्यान दो आप। तो भारती, शायद आज आपको कुछ पूछना है तो माइक है इस समय, आप जो भी पूछे खुलेआम पूछे, कोई शर्म वाली बात नहीं। अनुसर किसी भी चीज को बोलने से घबराते नहीं है, और ना ही उनके अंदर ऐसी कोई कैपेसिटी है कि मैं बात अकेले में कहूं या सबके सामने कहूं, वही बात बोलूंगा, ये मेरी खास बात है, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 33 पर आ जाइए। द मॉलिक्यूल हैविंग द मॉलिक्यूल हैविंग वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इस समय तो एग्जाम के टाइम पे तो मैडम पढ़ना ही नहीं चाहिए देवजनी, एग्जाम के टाइम पे जो पढ़े वो बेवकूफ, एग्जाम से पहले पढ़े वो विद्वान, और एग्जाम के दिन तो कतई नहीं पढ़ना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। टेंशन फ्री होके जाइएगा तो लोड कम रहेगा, मशीन बढ़िया काम करेगी एकदम, है। इसमें बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, किसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, बताइए किसमें इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो बहुत दिखाई दे रहे हैं, आपको कितने दिखाई दे रहे हैं आप बताइएगा। वन अनपेयर्ड की बात हो रही है, वन अनपेयर्ड एनो में होगा, वन अनपेयर्ड एनो में होगा, वन अनपेयर्ड की बात हो रही। देवजनी कहाँ चली गई तू, इतना कॉन्फिडेंस ओवर नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन भी ना देख पाए। तो आंसर आपको साफ दिखाई देगा, पहले में होगा, एनओ में होगा, एनओ, इसमें वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। भावना का स्वागत है इस महफिल में। ओटू में दो अनपेयर्ड होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 पर आइए। 34 पर विच स्पेसीज, भारती आपको लग रहा होगा कि सर हर टॉपिक को टच करने की कोशिश कर रहे हैं। विच स्पेसीज हैविंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये क्वेश्चन मेरे बताए हुए अगर क्वेश्चन करोगी, अगर ये क्वेश्चन नहीं आए मान लेता हूं, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। ये अभी तक का इतिहास बताएगा, झारखंड में जो लोग पेपर दे करके आए हैं वो भी बता देंगे, और जो पेपर नहीं भी देंगे और उन्होंने कोई पेपर दिया होगा तो वो भी हमें बता देंगे कि नहीं, हम बिल्कुल सीधी लाइन लेंथ पर चल रहे हैं। जी बताइए, विच स्पीसीज हैविंग sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम में किसकी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी। 34 का जवाब आप दीजिए। बिल्कुल 100% राइट जवाब है आपका। अब इस बार मैं ग्रीन पेन चलाऊंगा, येल्लो नहीं चलाऊंगा, CH3+। बहुत नाइस, बहुत सुंदर, देखो ये ग्रीन कर दिया मैंने, जो लाइट आपको दिखेगी वो ग्रीन, मतलब सिग्नल राइट है, करोड़पति चलेगा, है ना। अगर लाइट हरी जली तो मतलब लाइट सही है, और लाल जल गई तो मतलब कहानी गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
और इसको आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये एरोमेटिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स, ये आ सकता है क्वेश्चन, टूवर्ड्स नाइट्रेशन। भावना, भावना आपकी भावनाएं अगर जगी हुई हैं तो बताइए इसका जवाब क्या है। पहला बेंजीन ऑप्शन दे रहा हूं, दूसरा ऑप्शन आपको मैसिटाइलिन दे रहा हूं, मैसिटाइलिन दे रहा हूं, तीसरा ऑप्शन आपको टॉलिन दे रहा हूं, टॉलिन दे रहा हूं, और चौथा ऑप्शन बहन जी आपको मेटाजाइलिन दे रहा हूं। जी सभी लोग फटाक से आंसर दें, क्वेश्चन में कोई कमी हो तो बताओ कि अनुसार आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं, अच्छे क्वेश्चन लाइए तो फिर मैं भी कुछ सुधार करूं, या तो कमी निकालो या आंसर दो, या कमी निकालो या आंसर दो। जी भावना सी पे लटकी हुई है, भावना सी पे लटकी हुई है, मनु उपाध्याय ने बी आंसर दिया है, भारती आंसर दो, कविता ने बी दिया है, तो आंसर फिलहाल सिग्नल इसी पर जा रहा है और ये आंसर भावना गलत है, क्योंकि यहां तीन CH3 लगे हैं और ये ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, ज्यादा एक्टिव हो जाएगा नाइट्रेशन के लिए, कह रहा मोस्ट रिएक्टिव है यानी बेंजीन की एक्टिविटी बढ़ा देगा, 3-methyl ग्रुप अटैच है यहां पर और ये बहुत खतरनाक साबित हो जाएगा, यानी बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा नाइट्रेशन में, ये बात ध्यान दीजिए। शिवानी समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया आपको, 36 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ब्यूट बन आइन, बिल्कुल बिल्कुल प्रवेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना लिखने के लिए, इतना लिखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूट वन आइन, अपने टीचर को जिसे भी आप अच्छा मानते हो, मैं नहीं, जिसे भी आप अच्छा मानते हो उसको हमेशा याद रखिए, ब्यूट वन आइन ऑन ऑक्सीडेशन, ब्यूट वन आइन ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट एल्कलाइन, हॉट एल्कलाइन KMnO4 would yield क्या yield करता है, नंबर वन ऑप्शन दिया है CH3 CH2 CH2 COOH, पहला ऑप्शन ये दिया है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है CH3 CH2 COOH, तीसरा ऑप्शन दिया है CH3 CH2 COOH प्लस CO2 प्लस वाटर, और चौथा ऑप्शन दिया है CH3 CH2 COOH प्लस HCOOH। जी ब्यूट वन आइन ऑन ऑक्सीडेशन विद हॉट, सी कंफर्म कर दिया है देवजनी ने, आंसर सी कंफर्म कर दिया है देवजनी ने, अब आपको ये बताना है क्या आंसर सी एक्यूरेट है, मतलब ये चीजें मिलेंगी तो आपको पता होना चाहिए, जब ब्यूट वन आइन को हॉट एंड अल्कलाइन के मनोफोर से हम लोग करेंगे तो 100% शिवानी देवजनी यू आर 100% राइट, कि एक कार्बन हॉट है ना, हॉट अल्कलाइन है, ये बात ध्यान देना, तो टूट जाएगा कार्बन बॉन्ड और बना देगा एक
प्रोपेनोइक एसिड और एक छोटू बनेंगे और एक बूंद जिंदगी की टपक जाएगी, है ना। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, और आपका एक एक क्वेश्चन बिल्कुल अंदर उतरता चला जाएगा। वो क्वेश्चन की सीरीज मैंने रखी है इस बार, है ना, ध्यान दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन जीओसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड ड्यूरिंग, आप लोगों को ऐसा तो नहीं लगता है कि सर पहले से लिख लिया करिए, मतलब मैं एक नेचुरल पढ़ाई की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव रहता हूं, बशर्ते आर्टिफिशियल, अदरवाइज तो लोग कोचिंग के क्वेश्चन अपना प्रिंट है लिख दिए बस, बल जल्दी जल्दी 150 क्वेश्चन खींच दिए। मैं एक्चुअली में समय तो देता हूं, लेकिन इस समय का भरपूर प्रयोग करना चाहता हूं कि मैं आपके साथ टच में रहूं, मैं हर बात हर चीज को आपसे डिस्कशन कर सकूं, और वो मतलब एटमॉस्फियर दे पाऊं जो क्लासरूम में होता है, प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, परऑक्साइड, ये बात ध्यान दीजिए। द इंटरमीडिएट फॉर्म ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ HCl टू प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता क्या है, पहला ऑप्शन दिया है CH3 CH और CH2 CL, और यहाँ पर बनाया इन्होंने फ्री रेडिकल। बी ऑप्शन दिया है, शिवानी बताओ कि क्या ऐसा तो आपको नहीं लगता कि सर वेस्टेज ऑफ टाइम कर रहे हैं हमारा। देवजनी आपकी तो परीक्षा है, आपको तो हो सकता है लग रहा हो कि सर मेरा टाइम खराब कर रहे हैं। मैं एक बार आपका व्यू जानना चाहता हूं कि मैं क्वेश्चन देता हूं तो आपको खराब तो कहीं महसूस नहीं होता। शिवानी बोली, चलिए आंसर बताइएगा, इंटरमीडिएट कौन सा बनता है, ये 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, आ सकता है ये क्वेश्चन। चलो अच्छा कोई बात नहीं, मैं HBR लगाए दे रहा हूँ, अब बताओ ऑप्शन। चलो ठीक है, आपकी बात मान रहा हूँ देवजनी, HBR लगाए दे रहा हूँ, HBR, चलिए अब बताइए ऑप्शन। थर्टी सेवन का जवाब दीजिए, अब बताइए। देखिए अगर HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड है तो फिर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करना पड़ेगा, और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या बनाएगी ये आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर फिर सी मेरे हिसाब से चाहिए, चाहिए 100% सी ही जाएगा तभी बनेगा, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि पर आपका Br जुड़ता है जा करके, है ना। ठीक है 100% राइट आप जवाब दे रहे हैं दीक्षा, ये सी ऑप्शन एक्यूरेट होगा, सी ही ऑप्शन एक्यूरेट होगा, ठीक है। और अगर Cl होता तो फिर परऑक्साइड यहाँ पर दिक्कत करता, लेकिन मान के चलते हैं कि ये ए ऑप्शन आ सकता, ए ऑप्शन आ सकता था। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन अच्छे हैं, और मैंने जो कोशिश तो यही की कि सिलेक्शन अच्छा किया जाए। दीक्षा आंटी को पता नहीं सही लगा होगा नहीं होगा, दीक्षा बिटिया क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr मैंने दिया, एरो लगाया यहां पर एक दिया, अब पूछा है इसमें ए क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर वन दिया है CH3CH, नीचे CH3, यहाँ CH और यहाँ CH2, Br दे दिया। दूसरा बी ऑप्शन दिया इन्होंने, CH3CH, नीचे CH3 दिया, आगे CH2 Br दिया। शिवानी बताओ बेटा
इसका क्या आंसर होगा। कोशिश करो, आंसर पेन जब कॉपी लेकर के बैठे होगे तो मुझे लगता है कि आंसर आपने निकाल लिया होगा। ये हो गया डी ऑप्शन में नन दिया है, जवाब आपके सामने हाजिर है। क्या हो सकता है, जब एच बी आर जुड़ेगा तो ये हमेशा उस कार्बन को ज्वाइन करता है जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है बी आर, वो ज्वाइन करेगा। थर्टी एट का जवाब दीजिए। बिल्कुल शिवानी, 100% राइट है, यानी कि बी आर उस कार्बन को ज्वाइन करेगा जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, तो हाइड्रोजन यहीं पर कम है, बी आर यहीं जुड़ेगा। और आंसर नंबर सी भावना सारस्वत, यू आर 100% एब्सोल्युटली राइट। खूब अच्छे से मनाया, हैप्पी टीचर्स डे आपने, और आपकी जो ड्राइंग है इट इज वेरी मींस ब्यूटीफुल कह सकते हो आप इसे, और आपके बनाने का जो तरीका है वो भी बहुत सुंदर है, वेरी गुड। आपका हाथ जो है वो ड्राइंग में ठीक है, कंट्रोल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी तो हो सकता है, लेकिन आप बताएंगे क्या होगा जवाब होगा। ऑन हीटिंग सिल्वर पाउडर, ऑन हीटिंग सिल्वर पाउडर विद क्लोरोफॉर्म गिव्स, बहुत अच्छा बनाया आपने, बहुत सुंदर बनाया था। T6H6 B T2H4 C C2H2 और D TH3CN। तो शायद रिएक्शन तो पता होगी कि 6 मॉलिक्यूल 6 एटम लिए जाएंगे और बन जाता है एसिटाइलीन बनता है। अच्छा क्वेश्चन है, इजी तो है ही, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन में ये है कि ऐसे क्वेश्चन भी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज डज नॉट फॉर्म ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसमें से कौन है जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बनाता है। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का क्वेश्चन है, आ सकता है, सभी लोग ध्यान दें। बताइए इनमें से कौन सा है जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट नहीं बनाएगा, जी बताएं। बी, वेरी गुड, नाइस, गुड, बी ही बनाएगा। कारण है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और ये फ्लोरीन जो है वही ग्रिगनार्ड भैया नहीं बना पाता है, बाकी कविता सब बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41 पे चलिए, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, मैच करने हैं आपको, मैच द कॉलम, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। अब मैच करना है तो मैच कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलिए आपको बिल्कुल वही स्टैंडर्ड, वही माहौल देने की कोशिश करता हूं, और सभी भाई बहन सुने, आप जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनको ध्यान से करिए। यहाँ पर आपको कॉलम वन दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर कॉलम वन दे रहा हूँ, यहाँ कॉलम आपको टू दे रहा हूँ, सेकंड कॉलम दे रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन लिखता हूँ, इसमें पहला देता हूँ सोर्स, ठीक है, ए मान लेते हैं, चलो ए सोर्स, ठीक। बी जो है वो स्ट्रक्चर,
सी है मॉलिकुलर फोर्स और डी ऑप्शन है, कैपिटल डी बना लो, तो डी ऑप्शन आपके सामने है पॉलीमराइजेशन। इसका फर्स्ट कर लेता हूँ, इसे सेकंड कर लेता हूँ, इसे थर्ड, इसे फोर्थ कर लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ नेटवर्क, यहाँ लिख देता हूँ कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, यहाँ लिख देता हूँ नेचुरल, और यहाँ लिख देता हूँ इलास्टोमर। जी 41 वाले में अब ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, कोडिंग दे रहा हूँ, ए बी सी डी। चलिए आप जब तक मिला लीजिए, यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी डी, डी मिलाइए फटाफट। जब तक आप लोग, ए का ऑप्शन दिया है 1 2 3 4, बी का ऑप्शन दिया है 3 1 4 2, फिर दिया है 2 4 1 3, फिर दिया है 4 3 2 1। जी बताइएगा। फोर्टी वन का बताइएगा। देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ए का तो थर्ड होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन सटीक बैठ रहा है, ए का थर्ड होना चाहिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से बी का नेटवर्क होना चाहिए, मॉलिकुलर फोर्स के हिसाब से इलास्टोमर और ये कंडेंसेशन। तो यानी बी ऑप्शन पर सटीक तीर मारा जाए। आपने बताया सर क्वेश्चन कैसा, अच्छा सही था, सेट था बिल्कुल, मतलब ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा आपको जहां तक उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है बताइएगा। यहां पर इन द रिएक्शन, रिएक्शन क्या दे रखी, C6H5 CHO, C6H5CHO प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O, और यहाँ पर आ जा रहा है CH3CONA। ए कोई प्रोडक्ट बना है, व्हाट इज ए, है ना, ए क्या है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन दिया है एसीटल्डिहाइड, दूसरा ऑप्शन आपके सामने दिया है सिनामिक एसिड, चौथा ऑप्शन दिया है, तीसरा सॉरी, बीटा नेफ्थॉल, और डी ऑप्शन है फिनॉल। फिनॉल बताइए, सिनेमिक एसिड है, वेरी गुड, शाबाश देवजनी पाल। सिनेमिक एसिड अनुसर से जुड़ने से हो सकता है देवजनी में कोई परिवर्तन आया हो, हालांकि देवजनी ऑलरेडी वैसे ही वेरी टैलेंटेड गर्ल, ठीक है ये मैं कह सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। है तो सभी ऐसा नहीं, लेकिन देवजनी अपना एक्स्ट्रा लेवर करती है ये मुझे पता है। 43 पे आ जाइए, 43 द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पहला है ऑप्शन नंबर वन। वन क्या, पहले मैं 1 2 3 डाल के बनाता हूँ तभी तो ऑर्डर पूछूंगा, यानी कि सबसे पहले मैं ऐसा करता हूँ, इसे फर्स्ट मान लेता हूँ, स्ट्रक्चर फर्स्ट जो है वो ये है। यहाँ पर NH,
COCH3। सेकेंड स्ट्रक्चर, सेकेंड वाला जो है ये है, यहाँ पर CO, यहाँ पर NH, यहाँ CH3। उसके बाद थर्ड है, जो लोग कहते हैं हम कुछ नहीं करते वही तो सब करते हैं। देवजनी, जो लोग कुछ नहीं करते वही तो सब कुछ करके चले जाते हैं बेटा। यहाँ पर हो गया फोर्थ और यहाँ पर ये हो गया। इनमें आपको बेसिक करेक्टर के हिसाब से लगा देना है कौन सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए, ए में दिया है 1 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 4। बी ऑप्शन दिया है 4 is greater than 2 is greater than 3 is greater than 1। सी ऑप्शन दिया है 3 is greater than 4 is greater than 2 is greater than 1। और डी ऑप्शन दिया है 3 is greater than 2 is greater than 4 is greater than 1। जी बताइए आंसर, सबसे ज़्यादा बेसिक के ऑर्डर को लगाना है आपको, मोर बेसिक कौन होगा, मोर बेसिक कौन होगा। नहीं जानकारी दे रहे हैं, कोई बात नहीं, डी ऑप्शन दे रही हैं, मनु भी डी ही दे रहे हैं, सभी लोग लगभग डी ही ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल एक्यूरेट है कि सबसे ज़्यादा यही होगा, थर्ड वाला ही होगा, फिर नंबर टू वाला आएगा, है ना, ये आपका टू वाला, फिर फोर वाला आएगा और लास्ट में, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। सी नहीं, ये आपका डी ऑप्शन एक्यूरेट है, वन वाला सबसे कम इसलिए होगा। हाँ बिल्कुल बता रहे हैं प्रीति, ये वाला सबसे कम होगा, वन वाला सबसे कम हो जाएगा। और वन वाला सबसे कम होने का कारण भी आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है बेंजीन से, और जब डायरेक्ट जुड़ा होगा तो उसका लोन पेयर अवेलेबल नहीं हो पाएगा, वो लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा, CO की डीलोकलाइजेशन में चला जाएगा। अगर आपने ऐसे इसकी रिएक्टिविटी को, एनिलीन की एक्टिविटी को इसी प्रोसेस से तो कम करते हैं, याद होगा आपको, एनिलीन की एक्टिविटी को इसी प्रोसेस से कम करते हैं, एसिड एनिलाइड बनाकर ही कम करते हैं, ना याद आया कुछ, मैंने आपको याद दिलाने की फिलहाल पूरी कोशिश की है, बाकी आप कितना समझ पाए मुझे मैं नहीं जानता, लेकिन हाँ मैंने पूरी कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 44 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 44 है ना, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Which of these is six base, या कुछ लोग इसे skips base भी बोलते हैं, six base। नंबर ए C6H5NH2, नंबर बी CH3CHO, नंबर सी C6H5CHO, नंबर डी C6H5CH double bond NN CH N C6H5। जी बताइए कौन सा इसमें सिक्स बेस की तरह कंसीडर किया जाएगा, बोले। क्वेश्चन नंबर 45, जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं आप आंसर बताइए फटाफट। डी, 100% डी ही है, 100% डी ऑप्शन ही आपके सामने रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक, कौन सा इसमें सिक्स मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक है,
बताइएगा इसमें कौन सा सिक्स मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक है। विच वन इज सिक्स मेंबर्ड हाइड्रोसाइक्लिक। बिल्कुल एक्यूरेट, बिहार वाले लोग बिल्कुल इस पे इस वीडियो को देखें, क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलेंगे आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 46, क्वेश्चन नंबर 46, विच इज मोर नंबर ए ये आपका एनिलीन है, नंबर बी ये आपका ये कंपाउंड है, नंबर सी ये कंपाउंड है और नंबर डी ये कंपाउंड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसको आप करेंगे तो 100% आपको बेनिफिट होगा। विच वन इज मोर बेसिक? भावना बता रही है, ठीक है। प्रवेश जी भी बता रहे हैं, वेरी गुड, नाइस। यहां पर मिथाइल एमीन कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था, लेकिन आपको बताएं कि यहां पर एल्काइल जो साइक्लिक रिंग में जमे, हाँ, sp3 ऑर्बिटल है, लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल तो आपको इसमें भी दिखेगी, सी में भी दिखेगी, देवजनी सी में भी दिखेगी। सी इज ऑल्सो कंटेनिंग sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, बताइए देवजनी ऐसा क्यों है? बोलिए, जब तक मैं क्वेश्चन नेक्स्ट बता रहा हूं आप इसमें बताइए सी आपने क्यों नहीं बताया। आपसे सी में भी तो वही सिचुएशन है, सी में भी वही सिचुएशन है। विच विटामिन इज विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल? मेरी वॉइस आ रही है, बिल्कुल एक्यूरेट, सही है, 2 डिग्री है, 100% राइट। इसके अंदर 2 डिग्री करेक्टर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट जवाब आपने दिया, बहुत सुंदर। विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल एंड एंटीऑक्सीडेंट? कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल है और साथ में एंटीऑक्सीडेंट भी है? ए यहां पर विटामिन डी, यहां पर विटामिन सी और यहां पर विटामिन डी और यहां विटामिन बी। चलिए बताइएगा, यानी कि विटामिन सी जो होती है वो आपकी एंटीऑक्सीडेंट भी है और साथ ही साथ ये वाटर सॉल्युबल भी होती है, दोनों काम इसी के अंदर है, बी में नहीं। बहुत सुंदर, ऐसे जवाब देते रहिए, अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40। दीक्षा रानी क्या क्वेश्चन ठीक चल, सुझाव सुझाव आपको देना हो बता सकते हैं, अपनी बात रखनी हो बता सकते हैं, ठीक है ना, बताइएगा। इक्वेशन विच इक्वेशन इज यूज्ड टू डिटरमाइन स्ट्रक्चर?
नंबर 1 ब्रेक सिचुएशन, ब्रेक सिचुएशन। नंबर 2 ग्रेविस लेटिस, और नंबर 3 स्नेल्स रूल या लॉ। लॉ कर दो सही रहेगा जी। ए बता रहे हैं सभी, ठीक है, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। क्वेश्चन नंबर 49, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा इनफाइनाइट, हर टॉपिक को टच कर दूंगा आज। जिंदगी इसी का नाम है कि चलते रहिए। इज कॉल्ड नंबर ए हैस लॉ, नंबर बी कोलरेश लॉ। जी बताइए। नंबर सी फर्स्ट लॉ, नंबर डी गिब्स इक्वेशन। गिब्स इक्वेशन किताबों में नहीं मिलेंगे, क्वेश्चन तो पढ़े हुए हैं, लेकिन ये ट्यूनिंग जो आप देख रहे हैं ना, ये खुद की बनी हुई ट्यूनिंग है, इसलिए आपको डिट्टो क्वेश्चन एज इट इज बुक में नहीं मिल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। नंबर ए Cl, नंबर बी F, नंबर सी ऑक्सीजन, नंबर डी सल्फर। जी बताइएगा जल्दी, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है, बहुत ही लाइट वेटेड क्वेश्चन है, बहुत ही लाइट वेटेड है, खुद ही बोल देता हूँ मैं, जो क्वेश्चन बहुत हल्का होता है मैं खुद बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन हल्का है, लेकिन एक आध क्वेश्चन ये भी जरूरी है, ऐसे भी क्वेश्चन एक आध जरूरी इसलिए रहते हैं कि आप कहीं ऐसे में गलती तो नहीं करते हैं, गलती तो नहीं करते हैं। विच मॉलिक्यूल हैज बेंजीन लाइक, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर। नंबर ए P2H6, नंबर बी P3H3N3, नंबर 3 P3N3H6, नंबर डी P2H6.N2। बोलिएगा जवाब। 51 का देवजनी रिएक्शन जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ, आप आंसर दे रहे हो नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मुझे ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन ऑप्शन चाहिए मुझे, बिल्कुल सी ऑप्शन है, मुझे ऑप्शन चाहिए, क्योंकि वैसे तो आप बता ही दे रहे हो, मैं जान रहा हूं ऑप्शन में सटीक तीर मार पा रहे हो नहीं, बस वो देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, बहुत अच्छी सीरीज चल रही है और आप बिल्कुल इसे तोड़े नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलर ऑफ TiH2O का
होल सिक्स, ऊपर तीन पॉजिटिव इज ड्यू टू नंबर वन या ए चार्ज ट्रांसफर, चार्ज ट्रांसफर, बी डी टू डी ट्रांजिशन, सी एफ टू एफ ट्रांजिशन। बिहार वाले देख लो, आपने जहां ज्वाइन किया वहां क्वेश्चन आपको एकदम धमा चौकड़ी वाले मिलेंगे, है ना। लाइट डिफ्रैक्शन या नल लगा देता हूँ। चलिए डी टू डी ट्रांजिशन होगा, बिल्कुल 100% राइट, डी टू डी ट्रांजिशन होगा। एक भी बच्चे ने अभी तक, सब देख रहे हैं लेकिन कोई एक इंसान जवाब नहीं दे रहा है जो बिहार से जुड़ा हुआ है, बिहार, जो बिहार के बैच, बाकी बिहारी लोग तो हैं इसमें, वो जरूरत नहीं है, बाकी जो बिहार बैच में है, एस्टेट के बैच में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कोई हिम्मत नहीं जुटा रहा है। अ हाइड्राइड ऑफ, अब इसके बाद ये शिकायत ना करिएगा सर मुझसे कि सर सिलेबस आप पूरा नहीं करा रहे हैं, ये शिकायत बिल्कुल नहीं करिएगा, क्योंकि आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ और आप मुझे समय नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जान लीजिए कि टीचर्स को समय मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा, इतना इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है? तो फिर क्या मतलब है मेरे क्लास लेने का? ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं उन बिहारी भाइयों बहनों के लिए कह रहा हूँ जो लोग बैच में हैं। वो आप लोग तो ठीक हैं, आप लोग नहीं, जो मैं पर्टिकुलर बैच वालों के लिए कह रहा हूँ, जिनके लिए मैंने ये सब निर्णय लिया है। विच हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन इज एसिडिक, एसिडिक की बात कर रहा है, ये ध्यान देना। प्रवेश जी आप अपने ऊपर बिल्कुल नहीं लीजिएगा, मुझे, मैं किसके लिए कह रहा हूँ आप जान रहे, क्योंकि मेन बैच वही, उन्हीं के लिए मैंने समय दिया है, इसलिए आप बिल्कुल इसको अदरवाइज ना लेना। मैं डांटना मेरा फर्ज, अगर डांटूंगा नहीं तो काम नहीं चलेगा मेरा। जी बताइए, द हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन विच इज एसिडिक एज, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जवाब आप देंगे तो अच्छी बात है। N3H, ठीक है, बिल्कुल। हाइड्रोजोइक एसिड जो होता है वो एसिडिक नेचर रखता है, तो इसका मतलब जवाब इसका बिल्कुल एक्यूरेट दिया आपने, बहुत सुंदर बेटा। एक बार पीठ थपथपा लो, ना थपथपाओ हमें बता दो, दीवार में मार देंगे पीठ तुम्हारी, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट। पहला ऑप्शन है MgCl2, दूसरा ऑप्शन है AlCl3, तीसरा ऑप्शन है LiCl, चौथा ऑप्शन है CCl4। जी बताइए। बताइए, वेरी गुड, नाइस। 54 का डी बताएंगे, विच इज मोर कोवेलेंट, वेरी गुड। मैं तो सोचा धोखा होगा आपके साथ, मैं तो समझा धोखा होगा आज, लेकिन आप लोगों ने धोखे से बाहर आ गए, बहुत सही जवाब आपने दिया। मुझे लगा ऐसा LiCl दोगे जवाब, लेकिन आप लोगों ने बहुत साध के गेंद को खेला है और इस भरी पिच में ये आपने 6 रन जो मारे हैं ना, दिल खुश कर दिया जाए।
मैं तो समझा LICL पे लगाओगे निशान, बहुत सारे लोग इसमें LICL पर निशान लगाएंगे। मैं समझ गया था कि LICL पर निशान लगेगा इस बार, लेकिन आप बहुत खेल गए, अच्छा गेम खेल गए। विच ऑफ द फॉलोइंग, लेकिन एक बात ईमानदारी से बताना कि ऑप्शन सही से टिक दिए गए नहीं आपको, ये बताओ गलती होने के चांस थे या नहीं? अगर पेपर में होते, एग्जामिनेशन हॉल में होते ना, तो एक बार को धोखा होता, एक बार को धोखा होता। अगर एग्जामिनेशन हॉल में होते तो धोखा होता, ये तय था। यहां आप घर में बैठे हो इसलिए बच गए, इसलिए बच गए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल? नंबर ए एस एन डाई पॉजिटिव। एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर बड़ा खराब होता है। जर्मेनियम डाई पॉजिटिव, टी सिलिकॉन डाई पॉजिटिव और डी पीबी डाई पॉजिटिव, पीबी फोर पॉजिटिव। जी बताइए। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? बोलिए कौन ज्यादा स्टेबल है? इसमें से कौन सा मल्टी डेंटेट लिगेंड है? बिल्कुल आंसर आपका सही है, डी ही ऑप्शन होगा, यही है, एक्यूरेट है प्रीति रानी। विच इज मल्टी डेंटेट लिगेंड पूछा है। एक तो दिया है EDTA, बी दिया है EN और सी दिया है GLY और डी दिया है ऑल। विच इज मल्टी डेंटेट, हो गया धोखा, हो गया धोखा, हो गया धोखा इस बार। ऑल होगा ऑप्शन, यहां पर ऑप्शन ऑल होगा क्योंकि ये सब मल्टी डेंटेट ही है। ऑल आर मल्टी डेंटेट, बाई डेंटेट है ना, ये हेक्सा डेंटेट, बाई डेंटेट, तो ऑल होगा ऑप्शन यहां पर, ऑल लगाइए। चलो क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 57, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। H3PO3 इज, नंबर ए मोनोबेसिक एसिड है, नंबर मोनोबेसिक एसिड है एंड एंड वीक लुईस एसिड, दूसरा ऑप्शन मोनोबेसिक है एंड वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड है, सी मोनोबेसिक है एंड स्ट्रॉन्ग
लुइस एसिड है और डी ट्राई बेसिक है एंड वीक ब्रॉन्स्टेड एसिड। बताइए H3BO3 एक ट्राई बेसिक एसिड है, डाई नहीं है, और दूसरी बात यह है ब्रॉन्स्टेड एसिड है। मनोपाध्याय सी मोनो बेसिक कैसे है? ट्राई बेसिक क्यों नहीं है? मोनो, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में रहिएगा, मोनो ट्राई बेसिक क्यों नहीं, ब्रॉन्स्टेड एसिड क्यों नहीं? हाँ, ये वेरी गुड, नाइस। यानी कहने का तात्पर्य ये एक ही एच रिलीज करता है। ठीक, वेरी गुड, नाइस, गुड गर्ल। ठीक, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मोनो बेसिक एसिड है और वीक लुईस एसिड है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। आपने एक्चुअल में क्या होता है, अधिकतर लोग ट्राई बेसिक पर लगा देते हैं और कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए। वाटर में डिजोल्व करेंगे तो सिंपली आपको ये जवाब देगा, मोनो बेसिक एसिड मानते हैं और वीक लुईस एसिड। हाँ, बोरिक एसिड भी आपने सुना होगा, और बोरिक एसिड अच्छा किस में काम आता है, इसका रोल क्या है? रोल बताइए जरा, व्हाट इज द रोल, इसका रोल क्या है? रोल किसी को पता है? अभी चला था इसका, इसको खूब मार्केट में बिका था, इसको मार्केट में भी खूब बिका था थोड़े दिन पहले। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग, फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, सेट ऑफ क्वांटम नंबर द इम्पॉसिबल सेट इज, इम्पॉसिबल सेट इज, कौन सा इम्पॉसिबल सेट है? यहां पर लिखा है, थोड़ा नीचे बढ़ा के लिखना पड़ेगा मुझे, यहां लिख लेता हूं, एन एल एम और एस, यहां ए ऑप्शन दे देता हूं, 3, 2, -3 और हाफ, बी ऑप्शन दे देता हूं, 4, 0, 0 हाफ, सी ऑप्शन दे देता हूं, 5, 3, 0, -1, ये प्लस में, और डी ऑप्शन दे देता हूं, 3, 2, -2 हाफ। बिल्कुल सही है, चलो ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 59, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बताइएगा। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग हाइड्रेटेड एल्यूमिना इनटू एनहाइड्रस एल्यूमिना, ठीक है, ए ऑप्शन दिया है,
रोस्टिंग, बी ऑप्शन दिया है स्मेल्टिंग, सी ऑप्शन दिया है ड्रेसिंग और डी ऑप्शन दिया है कैल्सिनेशन। 59 का जवाब दीजिएगा। 59 59। प्रीति वर्मा, दीक्षा, शिवानी। देखिए, रोस्टिंग में ऑक्सीजन लगानी पड़ेगी, जबकि एल्यूमिना से वाटर को जब इवोपरेट करना है तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, कैल्सिनेट करिए, रोस्टिंग नहीं की जाती एल्यूमिना की। एल्यूमिना को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, एब्सेंस ऑफ एयर हीट किया जाता है, तब जाके उसका वाटर रिमूव होता है, एनहाइड्रस करना है। ठीक है, ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, एब्सेंस ऑफ एयर होनी चाहिए यहाँ पर, एब्सेंस ऑफ एयर। और अगर आपको याद नहीं रहता है कि कहाँ एयर होती है कहाँ नहीं होती है, तो अगर आज के बाद भूल जाओ तो मुझे बताना। रोस्टिंग में और कैल्सीनेशन में, कैल्सी नेट लिख लेना, कैल्सी नेट लिख लेना और यहाँ रोस्ट लिख लेना, रोस्ट। ठीक है, दो वर्ड। यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब ऑक्सीजन है तो ओ है, यहाँ ऑक्सीजन ही नहीं है तो ओ भी नहीं, यहाँ पर ओ है यहाँ पर ओ टू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आई भी नहीं, लेटर भी नहीं ऑक्सीजन का यूज हुआ है, यहाँ कहीं लेटर भी नहीं यूज हुआ। तो कैल्सीनेट जब करोगे तो ऑक्सीजन नहीं होगी, लेटर भी उसके नाम में ही लेटर नहीं आया है, रोस्ट में देखो लेटर भी आया है, ध्यान दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया है, लास्ट 60 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, बताइएगा। एक मिनट, दो क्वेश्चन है मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ एक आखिरी क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो यही दे देता हूँ। इन वेंडरवॉल, इन वेंडरवॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर अ नॉन आइडियल गैस द टर्म दैट अकाउंट That accounts for intermolecular force is, पहला ऑप्शन है V माइनस B, दूसरा ऑप्शन है RT की पावर -1, C है P प्लस A अपॉन V स्क्वायर और D है केबल आर टी। जी बताइए। बिल्कुल 100% राइट। तो ये मेरे कुछ 30 क्वेश्चन का स्लॉट था जो मैंने आपको दिया, और ये 300 क्वेश्चन का स्लॉट आपको लगाना चाहिए, और मेरे हिसाब से इस वीडियो को देखना भी चाहिए दोबारा। और जितने भी बिहार के लोग हैं, अगर वो कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हो सकता है हमें तकलीफ। कल दिन में ही केवल क्लास लूँगा, क्योंकि रात में आप जानते हैं त्यौहार है और थोड़ा बिजी भी रहते हैं, शोर शराबा भी रहता है ना।
भगवान की पूजा भी बहुत जरूरी है, लेकिन आपकी भी पूजा करूंगा, इसलिए दिन में रिकॉर्डेड जो टॉपिक्स हैं उनको भी बताऊंगा, और अगर मौका लगा तो क्लास भी दिन में लूंगा। ठीक है, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और ये जन्माष्टमी आप ईश्वर से प्रार्थना करें कि ईश्वर आपको वो शक्ति प्रदान करे जिससे कि आप अपने जीवन में सफलता का परचम लहराएं। ठीक है ना, चलिए, ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। कल नाइट की क्लास नहीं होगी, अभी से इन्फॉर्म आपको किए दे रहा हूँ, कल नाइट की क्लास नहीं होगी। ओके,